कहीं ना कहीं भाजपा से कड़ी टक्कर देने के लिए उनकी रणनीति जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है। अन्य माने दक्षिण के या मध्य भारत से कहीं भी प्रभावित नहीं होता है, यहाँ जातीयता का बोलबाला होता है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, हिंदी भाषी प्रदेशों की यदि बात करें तो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई है। अब बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन इस बात को महसूस कर रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसमें नीतीश कुमार हो उसको तरजीह देना पड़ेगा। अभी जो इस हार से भी सबक लेते हुए नहीं दिख रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मुद्दे को जिस प्रकार से हवा दी जा रही है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है, जिसका असर भी आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। हार से भी सबक लेते हुए नहीं दिख रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मुद्दे को जिस प्रकार से हवा दी जा रही है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है, जिसका असर भी आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हिंदी भाषी 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई है। ऐसे में इन राज्यों के चुनाव का बिहार में कितना असर पड़ता है, मुजफ्फरपुर के सीनियर पत्रकारों से बात करेंगे और जानेंगे कि इसका कितना असर पड़ेगा। अब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, कितना असर पड़ेगा, चूंकि हिंदी भाषी प्रदेशों में तो कांग्रेस हार गई। जिस तरह का एक नया तरह से लहर है 224 के पहले जो लोकसभा का, उसका असर बिहार पर भी व्यापक देखने को मिलेगा। चूंकि पहला यह प्रभाव है कि जो गठबंधन है INDI है उसके एक घटक दल का यहाँ राज है, वहाँ तो कांग्रेस सीधे सीधे टक्कर में थी और यह लोग अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि संयोजक कौन होगा, किस सीट पर हमारी क्या तैयारी है, कौन दावेदार होंगे। तो अभी जो स्थिति है लग रहा है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं भाजपा से कड़ी टक्कर देने के लिए उनकी रणनीति जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वह कमजोर न पड़ जाए, ऐसा लग रहा है। अब आगे क्या नीतीश कुमार की अब क्या भूमिका, कद बढ़ेगा इंडिया गठबंधन में उनका? हाँ, नीतीश कुमार का जो जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है और 3 बड़े नेता है इसमें बचे हैं, लालू प्रसाद यादव और खास करके नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो बयान अलग अलग जगहों से आए उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी बैकफुट पर है, कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा। और अब जो है सामने आ रहे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस तीनों जगह पर जब उसका पत्ता साफ हो गया है तो ये लोग कहीं ना कहीं अपना इंटरनल वर्चस्व दिखाया जाए कि भाई हमको संयोजक बनाया जाए या बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा हिस्सेदारी सीटों की दी जाए। जैसे 40 सीट है तो उसमें 80% हमें मिले, हो सकता है 90% भी लोग मांगे, आगे क्या रणनीति होगी। यह अच्छा एक अहम सवाल है कि कांग्रेस भी 10 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस का जनाधार बिहार में है वह समझना मुश्किल नहीं है, तो ऐसे में 10 सीट देना कितना फायदेमंद होगा या इंडिया के लिए घाटे की बात? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो कि अगर 10 पर वो दावेदारी, हाँ अगर 10 पर वे दावेदारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको मिलेगा, और 10 की दावेदारी अगर यह तीनों एक होकर लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको उसमें कुछ ना कुछ फायदा 10 सीट में होगा, फायदा होगा इंडिया गठबंधन को 10 सीट पर कांग्रेस, अगर 10 में कांग्रेस लड़ती है तो कोई खास नहीं, क्योंकि पिछला हम लोग देखते हैं जो पिछले बार 40 सीटों की जो बात थी उसमें कहीं वो असरदार नहीं रहे, एक सीट उधर आपको अररिया किशनगंज की तरफ का एक सीट था उनके पास, तो हो सकता है कि एक आध दो पर वो इफेक्टिव हो, लेकिन ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं हो सकते जो दृश्य है सामने। अच्छा जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, हिंदी भाषी प्रदेशों की यदि बात करें तो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई है, अब बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए कांग्रेस की हार से 3 राज्यों में जो हार हुई है उससे आप पूरे प्रदेश को देख सकते हैं, लेकिन पूरे लोकसभा चुनाव देश स्तर पे होता है और देश स्तर बिहार की यदि बात करें तो बिहार भी हिंदी भाषी, नहीं बिहार हिंदी भाषी है, बिहार का चुनाव पैटर्न ही अलग होता है, बिहार का चुनाव पैटर्न अन्य माने दक्षिण के या मध्य भारत से कहीं भी प्रभावित नहीं होता है, यहाँ जातीयता का बोलबाला होता है, यहाँ समीकरण बहुत मायने रखता है। और रह गई बात कि नीतीश जी की स्थिति है, नीतीश जी बिहार में अच्छे लीडर हैं नो डाउट, लेकिन 200 सीटें देश में ऐसी है जहाँ कांग्रेस या तो जीती है या नंबर 2 पे रही है, पूरे देश का चुनाव है, जो पार्टी 200 सीटों पे कॉन्टेस्ट देती है या अपने उम्मीदवार को जिता लेती है वो 25-30-40 सांसदों वाले पार्टी को मुखिया नहीं बनाएगी, अप्रासंगिक हो जाएंगे लोकसभा चुनाव में, नीतीश जी अप्रासंगिक। चुनावी परिणाम के बाद जो है क्या नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन कद बढ़ेगा? देखिए कद बढ़ना नहीं बढ़ना अलग चीज़ है, नीतीश जी का कद किस मुद्दे पर बढ़ने की बात कर रहे हैं सबसे तो ये क्लियर होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव नीतीश जी इसके लिए जाने जाएंगे कि उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने सभी दलों को एक संयोजक की बात आ रही है प्रधानमंत्री, ये तो सभी दलों को एक होकर संयोजक बनाए जा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, संयोजक बनाए जा सकते हैं। अच्छा जो चुनावी परिणाम आए हैं 5 राज्यों में, 3 राज्यों हिंदी भाषी में, बिहार भी हिंदी भाषी, तो बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार पे इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण के राज्य में जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जो अपना एक परफॉर्मेंस दिया है
तो उसका असर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख सकता है, क्योंकि जैसे ही इंडिया गठबंधन के लिए तो मोरल बढ़ने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस दक्षिण भारत में अपनी एक मजबूत स्थिति बनाई है, खासकर वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी थी BRS हो या फिर AIM, तो उनको ना कहीं ये एक बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि बिहार में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो सकती है। अच्छा, नीतीश कुमार जैसे कांग्रेस के 2-3 राज्यों में हार हो गए, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हैं, अब उनकी भूमिका बढ़ेगी या जैसे? मेरे हिसाब से उनकी भूमिका निश्चित रूप से बढ़ेगी, चूँकि इसका संकेत अखिलेश यादव ने भी दे दिया है, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन भी इस बात को देख रहा है कि जब से इसके चूँकि एक कोई संयोजक नहीं है और संयोजक को लेकर के भी बड़ी खींचातानी भी चल रही थी, तो इंडिया गठबंधन इस बात को महसूस कर रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसमें नीतीश कुमार हो उसको तरजीह देना पड़ेगा, और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जो क्षेत्रीय जो यहाँ की हिंदी भाषी प्रदेश है उसमें नीतीश कुमार की एक अपनी पहचान है, अपनी अहमियत है, और जिस प्रकार से यहाँ पर वोटिंग होता है उसमें नीतीश कुमार का कद बड़ा होता है। अन्य लोग भी हैं, आप बताइए जो चुनाव हुआ 5 राज्यों में, ऐसे में हिंदी भाषी प्रदेश की बात करें तो 3 राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस की हार हुई है, करारी हार हुई है, तो ऐसे में बिहार भी हिंदी भाषी कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस अभी जो इस हार से भी सबक लेते हुए नहीं दिख रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मुद्दे पर जिस प्रकार से हवा दी जा रही है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है, जिसका असर भी आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। और सबसे मजे की बात है कि इन 5 राज्यों के चुनाव से आम आदमी पार्टी भी अपने पांव को जमाने का प्रयास कर रही थी, 214 प्रत्याशी उसने उतारे थे, 201 की तो जमानत जब्त हो गई, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी वो प्रत्याशी उतारने की बात कर रही थी, उस पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस और आप दोनों के लिए ये बिहार का जो चुनाव होगा वो बहुत बड़ा मतलब अंतर दिखाई। चुनावी परिणाम के बाद क्षेत्रीय पार्टियां, खास करके बिहार की बात करें तो राजद जदयू जो है वह कुछ दबाव बनाएगी, नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा? जी ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन को एक तरीके से तैयार किया था, जिस प्रकार से अखिलेश सिंह चुनाव से पहले भी वो लोग सीट बंटवारे की बात कर रहे थे, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, जिसका खामियाजा बिहार के चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस जो 10 सीट मांग रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को 10 सीट देना जिस हिसाब से उसके चुनावी परिणाम आ रहे हैं और जब बिहार में पकड़ की बात है, तो कितना फायदेमंद होगा या घाटे की बात होगी? देखिए, पार्टी में जो कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं उनमें पद की लालसा तो होती है, तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो तो चाहेंगे कि हमें टिकट मिले, अगर नहीं मिलता है तो वो फिर निर्दलीय खड़ा होंगे, एक तरीके से बागी होंगे, वो भी महागठबंधन के ही खिलाफ खड़े होंगे, तो अगर इससे बचना है तो उनको 10 सीट तो देना ही। कांग्रेस जो 5 राज्यों के चुनाव है उसका इफेक्ट सीधे रूप से बिहार में पड़ेगा? जी ज़रूर पड़ेगा। तो हालिया 5 राज्यों में चुनावी परिणाम के बाद बिहार में भी लोकसभा चुनाव में काफ़ी इफेक्टिव होगा, ऐसे में नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में कद बढ़ने की बात बताई जा रही है, वहीं कांग्रेस का जो 3 राज्यों में हार हुई है, ऐसे में बिहार भी हिंदी भाषी प्रदेश और यहाँ भी कांग्रेस के साथ अब क्षेत्रीय पार्टियाँ जो है जैसे नीतीश कुमार और राजद, यह दोनों दबाव बनाएगी और सीट अधिकतम लेना चाहेगी, इसमें सीधे रूप से अब बिहार में भी इफेक्टेड होगा और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कद भी बढ़ेगा, क्योंकि संयोजक बनाए जाने की बात नीतीश कुमार उठा रहे थे और अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ उठा रही थी, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव से पहले हाशिए पर लाया गया या कम तरजीह दी गई, तो अब उनकी तरजीह बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन का कद बढ़ेगा, लेकिन बिहार लोकसभा चुनाव में इन 5 राज्यों के परिणाम का सीधा रूप से असर भी पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।